अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन चैनल। आज एक और अपडेट आपसे शेयर करनी है जो कि दुबई की जो एयरलाइन है एमिरेट्स एयरलाइन, उससे रिलेटेड है। इस न्यूज़ को सुनाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो न्यूज़ की डिटेल की तरफ हम चलते हैं। एमिरेट्स जो है, जैसे कि उसने अनाउंस की हुई है अपनी फ़्लाइट 30 डेस्टिनेशन के अंदर, अब उसने 10 इस 30 डेस्टिनेशन में 10 मोर डेस्टिनेशन जो है वो और ऐड कर दी हैं, यानी कि 10 मोर सिटीज़ जो हैं वो ऐड कर दिए हैं आज से। और इस बात का ऐलान जो है वो थर्सडे को एमिरेट्स के जो चीफ हैं उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया। और वो 10 सिटीज़ कौन से हैं, तो उसके अंदर जो है वो कोलंबो आता है। कोलंबो के लिए फ़्लाइट जो हैं वो 20 जून से स्टार्ट होंगी। सियालकोट भी इसके अंदर ऐड है, यानी कि पाकिस्तान के लिए सियालकोट का भी उन्होंने ऐड किया है इसके अंदर 24 जून से, क्योंकि अब जो है वो पाकिस्तान के तमाम जो है वो एयरपोर्ट ओपन हो चुके हैं। तो सियालकोट एयरपोर्ट पहले बंद था, उसको भी अब ओपन कर दिया जाएगा। तो सियालकोट के लिए भी एमिरेट्स ने अनाउंस की हैं 24 जून से। इस्तांबुल के लिए अनाउंस की हैं 25 जून से। ऑकलैंड, बीरूत के लिए, ब्रुसेल्स के लिए, हैनोई और हो ची मिन्ह सिटी जो है इसके लिए अनाउंस की हैं 1 जुलाई से। जबकि बार्सिलोना और वाशिंगटन डीसी जो है उसके लिए 15 जुलाई से जो अपनी फ़्लाइट अनाउंस की हैं। जबकि साथ ही जो है वो उन्होंने ये भी बताया कि एमिरेट्स जो है वो जुलाई के अंदर लंदन, हीथरो, मैनचेस्टर, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, ज्यूरिख, मैड्रिड, एम्स्टर्डम, कोफिनजन, डबलिंग, न्यूयॉर्क, JFK, टोरंटो, कोलालंपुर, सिंगापुर एंड हांगकॉन्ग, इन तमाम सिटीज़ में भी जुलाई के अंदर जो है वो पहले से उन्होंने अनाउंस किया था कि वो ऑपरेट करेगा। तो उस ये जो 30 सिटीज़ थे इसके अंदर 10 मोर सिटीज़ अब और ऐड हो गए हैं। और बुकिंग का वही मेथड है, आप ऑनलाइन जाकर या किसी ट्रैवल एजेंट के ज़रिए जो है वो फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो emirates.com पे जाकर आप इसके टिकट बुक कर सकते हैं। और जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले शहरी हैं वो अब इजीली इसका टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब खोल दिए हैं। तो अब आपको किसी किस्म का कोई वो नहीं है, रिस्क नहीं है कि जो है वो फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी या इस तरह का कुछ। तो ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट। मज़ीद ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।